सम्राट तुम कहाँ थे? रात भर कहाँ थे तुम? बताओ मुझे। मुझे झूठ बोल से धोखा देकर कहाँ गए थे तुम? मतलब इस चुहिया ने तमाशा बना दिया है यहाँ पे। सब नोच खाने के लिए तैयार है तुम्हें। ऐसे गूंगे बनकर इस तरह से क्यों खड़े हो तुम? बताओ सबको, हॉस्पिटल का बहाना बना के कहाँ गए थे तुम? जवाब दो सबको। सम्राट मुझे बताओ कि तुम कहाँ थे? बोलो मुझे, कहाँ थे? सारी पागल हो गई हो क्या तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? बेहुदा सवाल कर रही हो ऐसा अपने पति परमेश्वर से? ये पगला गई हो क्या? और तुम्हें मेरी हालत दिखाई नहीं दे रही? क्या करिए? बहुत लगी है, मेरा खून आ रहा है बेबी डॉल, बहुत चोट लगी है मुझे। मेरी चोट दिखाई नहीं दे रही है बेबी डॉल, किसी को मेरी चोट, मेरी हालत दिखाई नहीं दे रही है यार। कैसे लोग हैं हमारे यार? अरे इंसानियत नाम की चीज भूल गया क्या आप लोग? सवाल सवाल कर रहे हैं मेरे से। इनको क्या दिखाई देगी मेरी चोट? माँ ये तो लोग बैठे हैं मेरी चोट पर नमक लगाने के लिए, क्या दिखाई देगी मेरी चोट? सम्राट पूरी बात तो बताओ, आखिर तुम रात भर थे कहाँ? और ये सब चोटें कैसे लगी तुम्हें? मेरा एक्सीडेंट हुआ है डैडी जी। पूरी रात अब बेहोश पड़ा रहा सड़क पे, मेरा किसी ने लूट भी लिया। पता किसी ने लूट लिया मुझे यार, मेरी अंगूठी, मेरी चेन, मेरा पैसा, मेरा वॉलेट, मेरा सब कुछ लूट लिया मेरा यार। और मेरा फोन भी बंद हो गया गाड़ी में गिर के। मैं तो बातें नहीं कर पाया, इसलिए जैसे होश आया मैं बताने अपनी बेबी डॉल को, बताने के लिए बेबी डॉल क्या क्या हुआ मेरे साथ। आप जहाँ मुझसे सवाल जवाब कर रहे हैं यार, ये नहीं कि मुझे फर्स्ट एड दे। हमको ये बताओ ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? क्या करिए? बहुत गहरी चोट आई है, क्या करिए आप? सम्राट चलो मान लिया मैंने कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, पर तुम एग्जैक्टली गए कहाँ थे? यहाँ पे तो यही कह के गए थे ना कि सुयोग हॉस्पिटल जा रहे हो, तुम्हारे फ्रेंड का एक्सीडेंट हुआ है। तो पर मैंने खुद पता किया और वहां तो तुम नहीं थे। बस करो, बस करो। एक तो हमारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, मौत के मुंह से निकल के आया है, ऊपर से तुम शक किए जा रहे हो, पुलिस की तरफ से सवाल पे सवाल दागे जा रहे हो। चुप करो, लेकिन पता तो चलना चाहिए। चुप करो उर्मी, चुप। तुम ही हो जो तिल का पहाड़ बना के सबको चढ़ाए जा रही हो। हमारे बेटे को सांस काय नहीं लेने देती। माँ जी बिल्कुल सही कह रही, अब कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। आप लोग देख नहीं सकते क्या इतनी चोट लगी सम्राट को? फर्स्ट एड की जरूरत है। सम्राट क्या हुआ? मुझे सब आउट ऑफ फोकस नजर आ रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है, बहुत सारे चक्कर आ रहे हैं मुझे। उसे ऊपर लेके जाओ। चलो सम्राट, चलो चलो चलो। एंजल हो एंजल, पता है एंजल तुम नहीं होती ना, पता नहीं मेरा क्या होता है। कुछ नहीं होगा, हमेशा मेरी चिंता करती है माँ, हमेशा। बाकी सब तो मुझे देख के भी राजी नहीं। अरे बहू लेके जाओ, आज लेके जाओ, आज संभाल के है। लेके जाओ, आराम से ले जाओगी। बहुत दर्द हो रही है। बहुत 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 दर्द हो रही है। वाह, सम्राट ने कहानी सुनाई और हम सब ने सुनकर यकीन भी कर लिया। ईशान तुम भाई हो, तुम्हें तो उसे सख्ती से सवाल करना चाहिए था, उसे पूछना चाहिए था, कुछ तो कहते तुम। अरे मॉम आप देख ही रही है ना कि तानी कैसे रिएक्ट करती है सम्राट से रिलेटेड हर बात पे। और सम्राट ने ना जाने तानी के कान में कौन सा मंत्र फूंक रखा है कि उसे सम्राट के अलावा किसी और की बात सुनाई नहीं देती। तानी बेवकूफ है, हम सब जानते हैं कि वो बेवकूफ है, लेकिन हम सब ये भी जानते हैं कि सम्राट कितना चालाक है। कम ऑन, हम सब जानते हैं कि वो झूठ बोल रहा है। और अब तो उसकी माँ भी याद हम की है यहाँ पर। दोनों माँ बेटे मिलकर रोज एक नई नौटंकी करेंगे और हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। सम्राट एक ड्रामेबाज है, ये हम भी जानते हैं दामिनी, but he can't be faking his injuries। और अगर वो कुछ कह रहा था तो हमें झूठ कह रहा था, पक्की बात है। उसका चेहरा देखा नहीं आप सबने? उसके चेहरे का रंग कितना उतर गया था। लेकिन चोटें तो लगी थी ना उसको, उसकी हालत देखी थी ना तुमने, हम सबके सामने ही तो खड़ा हुआ था वो। ये भी तो हो सकता है कि वो सच कह रहा हो। अपनी आंखों से देखी हुई चीज को हम कैसे जुटला सकते हैं दामिनी, तुम ही बताओ। जुटलाया नहीं जा सकता, लेकिन सच का पता लगाया जा सकता है। अगर हॉस्पिटल कहकर वो हॉस्पिटल नहीं गया था तो कहाँ गया था ये तो हम पता लगा सकते थे। पूछताछ करते, कुछ तो सवाल करते, अरे कुछ तो करते हम। अरे मॉम, कैसे पता करते और क्या करते? बीच रात में आपके सामने मैं उसे लोखंड वाला सर्कल ढूंढने गया था, वो नहीं मिला। अब एक रात में पूरी मुंबई तो मैं छान नहीं सकता उसके लिए। हाँ दामिनी, आई थिंक तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। ज्यादा नहीं, सच सोच रही हूँ। तुम बताओ उर्मी, क्या तुम्हें सम्राट पर यकीन हो रहा है? क्या तुम नहीं जानते कि वो झूठ बोल रहा है? हम सब जानते हैं कि वो झूठ बोल रहा है। उसने एक कहानी सुना दी और हम सब उसकी बात पे यकीन कर रहे हैं। किसी ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं। तेरी पत्नी, मेरी बीवी, इसके प्यार की शक्ति, इसकी निष्ठा, इसकी पवित्रता के कारण मैं आज जिंदा हूँ, आज यहाँ लेटा हूँ आपके सामने, नहीं तो मैं गया था आज। सम्राट, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम्हें पता है ना कि अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं मर जाऊंगी। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे लिए ना ये हल्दी का दूध लाई हूँ, तुम जल्दी से पी लो, तुम्हारी दर्द ठीक हो जाएगी। अरे रहन दो बहू, रहन दो, जो दिखावा रहन दो। मुंह में राम, बगल में छुरी, अलकल जहर उगल रही थी हमारे सम्राट के लाने। काका कह रही थी करने के लिए हमारे बेटे को। हाँ माँ जी, मुझे क्या पता था कि सम्राट का एक्सीडेंट हो गया है। भरोसा, भरोसे नाम की भी कोई चीज होता है कि नहीं? हम कह रहे थे, बोल रहे थे, पर नहीं, तुम और तुम्हारा परिवार सारे के सारे हमारे बेटे पे चढ़ाई करने के लिए तैयार है। बेबी डॉल, तुम ऐसा कर रही थी? हाँ बेटा, तुम्हारी बेबी डॉल ऐसा ही कह रही थी। कह रही थी जे कि तुम घर आओगे तो टांग टूटनी चाहिए। क्या? हाँ टांग। बेबी डॉल, आई कांट बिलीव इट। तुम मेरे बारे में ऐसा सोच रही थी, ऐसा कह रही थी? सम्राट, I'm so sorry। वो क्या है ना कि मुझे ऐसा लगा था कि तुम मुझे बुद्धू बना रहे हो और मुझे चीट कर रहे हो। चीट? इसलिए तुमको बेबी डॉल, ये जो आंखें है ना, ये सिर्फ तुम्हारे सपने देखती हैं, सिर्फ तुम्हारे। और ये दिल, ये सिर्फ तुम्हारे कारण धड़कता है। और फिर ये एक एक सांस आते जाते सिर्फ तुम्हारी याद दिलाती है। और तुम क्या, मैं जिस इंसान से अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूं, उसको चीट करूंगा? I'm very disappointed, I'm very very disappointed। मुझे माफ कर दो सम्राट, प्लीज। I promise, आज के बाद मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कभी नहीं सोचूं। कसम खाओ, कसम खाओ। क्या आज के बाद तुम मुझ पे कभी शक नहीं करोगी? कसम खाओ। मैं तुम्हारी कसम। मैं नहीं, अपनी कसम खाओ। हाँ ढंग से आ सकते, कसम खाओ, तुम मुझ पे कभी शक नहीं करोगी। ओके, मैं अपनी कसम खा के बोलती हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी तुम पे शक नहीं करूँगी। आप मुझे माफ कर दो प्लीज। हम तो रात भर सोए नहीं है, कमर अकड़ गई हमारी तो। अबे बेटा, रात भर सो नहीं पाए तुम्हारे चक्कर में ना हम तो गए। तो माँ जी, मैं आपका स्पा करवा देती हूँ ना, उससे आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगी। अच्छा स्पा? अरे वो जो टीवी और फिल्मों में दिखाते हैं वही, जहाँ वो खुशबू वाले तेल से मालिश होती है, वही जगह? हाँ माँ जी, अरे वहां तो हम जरूर जाएंगे। स्पा? पक्का इन्हीं की औलाद हूं मैं, इसीलिए ऐसा हूं। पता, इस स्पा कराएंगी। कर दी। अच्छा सुनो, हाँ? वो लैपटॉप चार्ज पे तो है ना? गुड। तो आज हमारी शादी की सालगिरह। वो मुझे पिसते नहीं क्यों? गौरव जी। जी सर, अलीशा मैडम ने आपके लिए भेजा। उस चुड़ैल ने चिट्ठी सेंड कर दी। हे भगवान, सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मुझे आज रात 8 बजे बॉटल रेस्टोरेंट में मिलिए। आपके लिए एक सरप्राइज है, प्लीज। इसे क्या हो गया? सरप्राइज क्या देना चाहती है? आशा। हाँ? फटाफट नाश्ता लगाओ, मुझे जाना है। तेरा ये चेन और घड़ी तेरा बाप निकाल के देगा मुझे। हो गया, मिल गया जो कुछ चाहिए था, मिल गया। प्लीज प्लीज लीव अस अलोन। ये जो अपनी हीरोइन के साथ तू पिक्चर बना रहा था, अरे इसमें हम भी तो एक शॉट देंगे भाई, इतनी दूर से आए हैं। मैंने बोला लीव आउट। यार क्या सोच रहे हो सम्राट? यही ना कि भगवान का शुक्र है कि आज फिर से बच गए तुम। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है समझी, और भी बहुत कुछ है हमारे पास सोचने के लिए। जैसे कि लोमड़ी भी साड़ी पहन के सिंदूर लगा ले और किसी के घर की बहू बन के बैठ जाए, वो भी इतनी खतरनाक नहीं होगी जितनी कि आप हैं। बाय गॉड, आखिर पूरा का पूरा निकल गई ईशान को। हमारी छोड़ो, अपनी बात करो। तुम्हें कौन निकल रहा है और तुम उससे कब तक बच पाओगे, ये सोचो। तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है सम्राट, अब अपने पापों के साथ तुम भी बह जाओगे। तुम तो ऐसी जिंदगी जीने वाले हो सम्राट, जिसको लेकर ना तो तुमसे जिया जाएगा और ना ही तुम मर पाओगे। ओ हेलो माय डियर चुया, चलन खोर कहीं की। पर दिखाई नहीं दे रहा कितना बुरा एक्सीडेंट हुआ है मेरा, इतनी सारी चोट आई है, फिर भी श्राप दिए जा रही है। और भी बुरा होना चाहिए था तुम्हारे साथ सम्राट सिंह राठौर। तुम्हारा वाकई में एक्सीडेंट हुआ था। देख के तो लग रहा है तुम कहीं से पिटपिटा कर आए। शट अप। क्या पिटे पिटे, क्या पिटे? स्टे इन योर लिमिट्स, ओके? स्टे इन योर लिमिट्स। अरे किसी में हिम्मत नहीं है मैं पीट दे, समझी? पूरी दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो तुम सम्राट, लेकिन हमें नहीं। कितना पानी में रहते हो और कितना बहते हो बखूबी जानते हैं। तो जानते रहिए, क्या करेंगे जानकर? अचार डालेंगे। आपको जो सोचना है ना सोचिए आप, आपको जो कंक्लूजन निकालना निकालिए, कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे आप मेरा। ओके माय डियर चुहिया, तो कितना कोशिश, कितनी बढ़िया कोशिश की थी। यू ट्राइड योर लेवल बेस्ट। चोटी का जोर लगा दिया था बाय गॉड यार। पूरी प्लानिंग कर ली थी हमें घर से बाहर निकालने के लिए, क्या हुआ? बचे। You know why? God is very kind. He's with me. इतना कॉन्फिडेंस मत रखो सम्राट, मुंह के बल गिरोगे तुम और मुंह दिखाने के लायक नहीं बचोगे। तो आप क्यों लग रही है मेरे मुंह? बड़ी चिंता हो रही है भैया आज अपने बच्चे के बाप की। अब ईशान से तो बोर नहीं हो गई है? बकवास बंद करो, तुम्हारी चिंता हमें तुम्हारी नहीं हो रही है, अपनी ननद की हो रही है, जिसके गले में घंटी बनकर लटक रहे हो तुम। आपकी ननद जो है वो कोई दूध पीती बच्ची नहीं है, ओके? और उसकी चिंता छोड़िए, अपनी कीजिए। सकते, हमसे टकरा के बिखर ना जाए आप। बिखरा कौन है और सवरा कौन है, अपने अतीत में झांक कर देखो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। सम्राट, सम्राट कहाँ हो तुम? माई लव, शी इज कॉलिंग मी, प्लीज एक्सक्यूज मी, कमिंग बेबी डॉल। क्या हुआ था अब, क्या बात? डैड एक्चुअली मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो, क्या हो गया? बेबी डॉल बुलाया मुझे? हाँ सम्राट, वो मैं ये कहना चाहती थी कि मैंने सम्राट के बारे में कल जो कुछ भी सोचा ना, वो सब गलत था और वो बहुत बड़ी भूल थी मेरे लिए। थैंक यू उर्मी। लेकिन अब मैं अपने सम्राट पे पूरा भरोसा करती हूँ और अब ना सम्राट पे कोई शक है मुझे और ना कोई शिकायत। तो इसलिए अब मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग भी सम्राट को वही रिस्पेक्ट दें जो आप लोग पहले देते थे, दामाद वाली रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट माई फुट, इस पैर की जूती को दोबारा सर पर नहीं चढ़ाने वाली मैं। इट्स ओके तानी, हम जानते हैं हमें क्या करना है। यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन एनीथिंग, ओके? थैंक यू पापा। ये तो बहुत अच्छी बात है तानी, अभी जो हुआ सारी बातें खत्म करो। आई एम रियली सॉरी, बेचारे तुम्हारे सम्राट पे बेकार हमने शक किया। ये तो बेचारा अपने दोस्त को देखने गया था जिसका एक्सीडेंट हुआ। हमें ऐसा लगता है कि तुम्हें सम्राट के दोस्त से जाकर मिलना चाहिए। जिसका एक्सीडेंट हुआ है तानी, इनफैक्ट हमें लगता है कि तुम दोनों को साथ में जाना चाहिए। उसका एक्सीडेंट हुआ है तानी, उसे अच्छा लगेगा। और सम्राट को तो खैर बहुत अच्छा लगेगा, है ना सम्राट? यू राइट सम्राट, तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो, उसके बाद रेडी हो जाना, हम तुम्हारे फ्रेंड से मिलने जाएंगे। ओके यू नो बेबी डॉल, क्या कहा था मैंने? पूरी दुनिया मुझ पे यकीन कर लेगी, पूरी दुनिया, लेकिन ये उर्मी, इसे मुझ पे यकीन नहीं होगा। पता नहीं क्या दिक्कत क्या है, समझ नहीं आता मुझे, क्या प्रॉब्लम क्या है मुझसे, इसलिए तुम्हें भड़काती रहती है 24 घंटे मेरे खिलाफ। मतलब ये कि अब बता, पूरी दुनिया को यकीन हो गया मेरी बात पे, हो गया, हुआ, सबको यकीन हो गया, तुम्हें यकीन हो गया बेबी डॉल, तुम्हें हु मैटर्स टू मी द मोस्ट। लेकिन ये जो है उर्मी, महारानी जी यहाँ जो खड़ी हैं, इन्हें बेबी डाउट है, इन्हें लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और बोल रही हैं तुम्हें, फोर्स कर रही हैं तुम्हें कि मेरे दोस्त से मिलने जाओ। बताओ यार, ये क्रॉस चेक कर रही हैं, ये भी कोई बात है? Really, उर्मी? क्या तुम इसलिए चाहती हो कि मैं सम्राट के फ्रेंड को मिलने जाऊं? तानी, ऐसा ही कहा सम्राट ने, सदा हमारे बेटे के पीछे पड़ी रहती हैं जी। उर्मी now enough, मैं सम्राट पे पूरा भरोसा करती हूँ और मैं उसके फ्रेंड से मिलने नहीं जाऊंगी। तानी पर जाओ तो सही। For God's sake, मैं नहीं चाहती कि सम्राट और मेरे बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो। प्लीज प्लीज for God's sake, stay away। हेलो सुअर के बाल और कुत्ते के खाल से भी ज्यादा बेहया है सम्राट सिंह तेरे ये गाल। याद आ रही है, ओ तेरी याद आ रही है।